नमस्कार फ्रेंड बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ममता ब्लॉग्स में फ्रेंड्स आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह आठ बजे से और मेरा यहाँ पर हो रहा है चाय नाश्ता तो चाय मैंने ले ली है यहाँ पर ग्लास में और फोन को भी यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा सा चलाऊंगी लेकिन उससे पहले फ़ोन को करना है चार्ज क्योंकि रात में मैंने फ़ोन चार्जिंग पे नहीं लगाया था जो कि मुझे याद नहीं रहा तो चाय मेरे यहाँ पर बन चुकी है और चाय के साथ आज मैं खाने वाली हूँ फ़ैन और टाइम के बाद में मैं यहाँ पर फ़ैन खा रही हूँ तो ये देखिए रात में जो सलवार थी ना ये मैंने स्टिच करके रखी थी लेकिन इसके पाँचे जो थे वो मैंने नहीं बनाए थे तो आज मुझे इसके पाँचे बनाने हैं साथ ही साथ इसकी कुर्ती जो है वो मुझे स्टिच करनी है ये देख सकते हैं फैब्रिक और हाफ कॉलर में इसको मैं बनाने वाली हूँ बहुत सारा काम होने वाला है तो आज सुबह से लेकर शाम तक का मेरा रूटीन क्या होने वाला है कितने कपड़े स्टिच करती हूँ क्या क्या करती हूँ यही सारा आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ उससे पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं अपना चाय नाश्ता आप लोग चाय नाश्ता किस टाइम पे करते हैं मेरा चाय नाश्ता तो सुबह साढ़े आठ बजे के बाद ही होता है कभी नौ बज जाते हैं कभी साढ़े नौ बज जाते हैं दस भी बज जाते हैं तो वैसा नहीं है कि मैं सुबह उठते ही उठते चाय पी लेती हूँ तो सुबह का जितना भी काम होता है उसको फिनिश करने के बाद में शॉप को ओपन करके फिर मैं यहाँ पर चाय पीती हूँ और कभी कभी पी भी लेती हूँ पहले अगर जिस दिन मुझे नहाना नहीं होता है या फिर कोई अर्जेंट काम होता है लेकिन ज़्यादातर जो है मेरा चाय नाश्ता इसी टाइम पर होता है और ये देखिए कुछ सूट जो है वो मैंने स्टिच करके रखे थे और ये सभी दो दो मीटर में हैं और सभी हैवी साइज़ के हैं फोर्टी फोर साइज़ के यहाँ पर ये सूट जो है और इसमें आप देख सकते हैं दो मीटर कपड़े में कितनी अच्छी यहाँ पर फॉल आया है मतलब प्लीट्स आ गई हैं बैक से अब यहाँ पर देखिए दो मैंने प्लीट्स डाली हैं और बेल्ट में थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पर कम पड़ गया था जो कि मैंने कुर्ती का कपड़ा यहाँ पर बेल्ट में यूज कर लिया है साथ ही साथ देखिए ये है इसका कुर्ता यानी कि सूट तो स्लीप में मैंने इस तरह से सलवार का बॉर्डर लगा दिया है स्लीप हमारी यहाँ पर ज़्यादा हैवी नहीं है लेकिन सूट यहाँ पर बहुत हैवी है तो आप देख सकते हैं गला भी इसका देख सकते हैं और इसको बनाया है मैंने तुरपाई के साथ में और सेम ये दूसरा वाला जो सूट है वो भी सेम साइज़ का ही है ये भी दो मीटर में ही बना के तैयार किया है और इसमें भी मैंने इस तरह से स्लीप पे सलवार के कपड़े का बॉर्डर लगा दिया है साथ ही साथ पाइपिंग लगा दी है और इसको भी तुरपाई के साथ ही बनाया है ये भी फोर्टी फोर साइज का ही है दो मीटर में इसको बना के तैयार किया है इसकी सलवार भी हमने इसी तरह से ही बनाई है सलवार में भी बेल्ट का कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ गया था क्योंकि अगर हम उसका घेर ज़्यादा लेते हैं ना तो फिर सलवार का तो कपड़ा हमारा कम पड़ ही जाता है बेल्ट के लिए तो बेल्ट में अगर हमारा कपड़ा सल कुर्ती का यूज़ हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कुर्ती का कपड़ा कुछ ज़्यादा यूज़ हुआ है दो मीटर कपड़े में हमारी हैवी साइज़ की सलवार निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन फिर भी अगर हम निकाल देते हैं तो हमें बेल्ट के लिए कपड़ा यूज़ करना पड़ता है अलग से तो ये मैंने कल स्टिच किए थे जो कि अभी मुझे हैंगर पर लगाने हैं और अभी जो सूट है इसकी मुझे पाइचे बनाने हैं तो पाँचे के लिए मैं यहाँ पर बुकरम यूज़ कर रही हूँ पेस्टिंग भी लगा लेती हूँ मैं और जो हमारा फॉर्म शीट होती है वो भी मैं यूज कर लेती हूं लेकिन इसमें इस तरह से बुकरम का ही यूज कर रही हूं तो डेढ़ इंची की चौड़ाई में यहाँ पर पाइचे के तैयार करने है, तो मैं डेढ़ इंची की चौड़ाई में बुकरम कट कर ले रही हूं फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को आपको पूरा देखना है अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और मेरा वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं आप लोग भी कटिंग स्टिचिंग करते हैं तो फिर आप लोग भी अगर कपड़ा कम पड़ जाता है हमारा बेल्ट के लिए तो आप क्या करते हैं क्या आप लोग भी सलवार का ही कपड़े यूज़ करते हैं मोस्टली कपड़ा जो होता है बेल्ट में हम सलवार का जो कम पड़ जाता है तो हमें कुर्ती का कपड़ा यूज़ करना पड़ता है सलवार में तो कपड़ा होता ही है तो फिर हमें अलग से क्यों यूज़ करना पड़े यही होता है तो यहाँ पर मैंने देखिए सलवार कटिंग की थी और ये जो कटिंग की थी ना मैंने सलवार ये तीन मीटर कपड़ा था और इसके टुकड़े थे एक सवा मीटर का और एक, एक मीटर के कुछ इस तरह से कपड़े थे उसी में से मुझे ये सलवार निकालनी पड़ी है और उसी में से ये टुकड़े बचे हैं हैं जिसमें से पायची के लिए हमें अलग से पट्टी करनी होती है तो मैं जो कटिंग करती हूँ ना पायची की उसके लिए पट्टी जो हमारी अंदर फोल्ड करने के लिए होती है वो मैं अलग से यूज़ करती हूँ उसी में से ही नहीं मैं फोल्ड करती हूँ उससे क्या होता है नीचे की जो हमारी किनारी होती है ना तो वहाँ पर हमारे थोड़ा सा कपड़ा ज्वाइंट करने से थोड़ा सा मोटा हो जाता है और किनारी हमारी कटती नहीं है अगर थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा होती है तो वहाँ से घिसने लगती है तो अगर इस तरह से मैं पाँचे बनाती हूँ तो वो किनारी नहीं घिसती है तो इसलिए मैं जो अंदर फोल्ड के लिए कपड़ा होता है ना पाँचे का वो मैं अलग से ही यूज़ करती हूँ तो इस तरह से मैंने पट्टियाँ यहाँ पर कट कर ली हैं और इसके ऊपर से हम इसको बना लेंगे और ऐसा ही रहने वाला है मेरा पूरा दिन आज का क्योंकि मम्मी है नहीं और मैं अकेली हूँ मम्मी गई हुई है दो से तीन दिन के लिए देखते हैं दो तीन दिन के बाद में जब मम्मी आएंगी तब तब तक हम अपना काम करते हैं कंप्लीट करते हैं और मुझे दुकान के लिए सामान भी लेके आना है देखते हैं मैं पर्चा वगैरह बनाती हूँ तो कब मुझे जाना होता है अभी के लिए तो जो काम है पहले इसको ही मैं फिनिश कर ले रही हूँ और यहाँ पर देखिए मशीन में जो है ना सिलाई नीचे की बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रही है और मेरी बॉबिन जो है ना नीचे का धागा मैं उसको कितना भी टाइट कर लूँ लेकिन फिर भी वो ठीक से नहीं आ पाती है और कभी कभी तो वो सही चल जाती है लेकिन किसी किसी कपड़े में बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है ऐसा नहीं है कि हर कपड़े में दिक्कत करती है किसी किसी कपड़े में दिक्कत करती है तो यहाँ पर भी मुझे यही लग रहा है कि इसमें दिक्कत आ रही है सलवार में तो इतना नहीं था लेकिन यहाँ पाँचे बनाऊंगी तो फिर उसकी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी तो मुझे लगता है इसको मुझे दोबारा से ठीक करनी चाहिए और यहाँ पर मैं चेक कर लूंगी और ये देखिए यहाँ पर बुखरम पे मैंने कपड़ा इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगा दी है और यहाँ से आधा इंची का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने एक्स्ट्रा जो भी है वो मैं यहाँ से कपड़ा कट कर दूंगी दोनों ही पट्टियों को मैं इसी तरह से तैयार कर लूंगी ये देखिए एक पट्टी हमारी तैयार हो गई है दूसरी पट्टी को भी मैं इसी तरह से रखते हुए यहाँ पर तैयार कर लूंगी और उसके बाद में नीचे से हमने आधा इंची का मार्जिन एक्स्ट्रा लिया होता है उसी पे पट्टी लगा के और मैं चे बना के कम्प्लीट कर लेती हूँ आप लोग किस तरह से तैयार करते हैं मेरे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग उसी को पलट देते हैं या फिर एक्स्ट्रा जैसे मैं पट्टी लगा रही हूँ इस तरह से लगाते हैं मैथड दोनों ही सेम होते हैं जबकि इसमें हमें एक्स्ट्रा सिलाई लगानी होती है उसमें हम उसी पर ही कैनवास को रखते हुए और अंदर की तरफ फोल्ड कर लेते हैं तो हमें अलग से कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मैं दोनों ही मेथड से बना लेती हूँ लेकिन ज़्यादातर मैं इसी तरह से बनाती हूँ और इस तरह से बना से बनाने से मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल भी लगता है फिनिशिंग भी अच्छी आती है और उसको बनाना भी मुझे ईजी लगता है और यहाँ पर देखिए सिलाई तो मैंने लगा दी है लेकिन फिर भी यहाँ पर सिलाई ठीक से नहीं आ रही है अगर थोड़ी बहुत होती है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर ज़्यादा होती है तो फिर हमें दिक्कत लगती है तो यहाँ पर मैंने बॉबिन केस को दोबारा से लगा दिया है देखते हैं ये ठीक से आती है नहीं आती है अगर नहीं आएगी तो फिर से मुझे पूरी बॉबिन केस को खोलना पड़ेगा उसका जो पेज है वो टाइट करना होगा और उसके बाद में जाके पता लगेगा कि वो ठीक से आ पाती है या नहीं आ पाती है तो यहाँ पर ये देखिए सलवार को मैं ले ले रही हूँ और इस पे हमें सिलाई लगा लेनी है और आज मुझे कटिंग करनी है दो सूट मुझे कटिंग करने हैं कॉलर वाले और उनको स्टिच भी करना है और साथ ही साथ एक मेरे पास सूट आया हुआ है ऑल्टर के लिए उसमें स्लीव नहीं है मतलब कि नेट का कुर्ता है उसमें स्लीव नहीं है तो उसमें मुझे स्लीव भी लगानी है और साथ ही साथ जो स्टिच बटन की पट्टी होती है वो भी लगानी है देखिए यहाँ पर मैंने बॉबन केस को खोल लिया है यहाँ पर मैंने सिलाई लगा के देखी है लेकिन यहाँ पर सिलाई इसकी ठीक से नहीं आ रही है तो मैं एक बार और चेक कर ले रही हूँ कि यहाँ पर हमारी सिलाई ठीक आती है या नहीं आती है तो फाइनली सिलाई यहाँ पर ठीक नहीं आई है और यहाँ पर फिर से मेरा जो दिमाग है ना वो चलने लगा है और इसको मैं दोबारा से इसका ऑपरेशन करती हूँ ऐसा ही होता है जब भी हम सिलाई करते हैं ना और हमें काम जो होता है वो टाइम से देना होता है करना होता है तो हमारी मशीन इसी तरह से दिक्कत करने लगती है यहाँ पर मेरे पास दो बॉबिन है लेकिन बॉबिन होने के बाद में भी ये दिक्कत इस तरह से आ रही है कि ये ठीक नहीं हो रही है फाइनली मुझे इसको खोलना पड़ेगा और खोलने के बाद में देखते हैं इसमें क्या धागा वगैरह फंसा हुआ है या फिर धूल मिट्टी जो होती है हमारी धागे की वो रेसे फंस जाते हैं जिस वजह से हमारा धागा जो है वो लूज़ हो जाता है बॉबिन से और हमारे नीचे की सिलाई जो है वो ख़राब आने लगती है तो यहाँ पर देखिए मैंने दो पेच इसमें लगे हुए थे उसको खोलने के बाद में यहाँ पर पत्ती जो थी उसको मैंने हटा दिया है और दूसरी पत्ती मतलब तो दूसरी बॉबिन ले ली है उस पर मैंने इसको पत्ती को लगा दिया है तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ अगर एक बॉबिन से ठीक नहीं होता है तो फिर मैं दूसरी बॉबिन में दूसरे उसके अंचर पिंचर लगा देती हूँ और फाइनली हमारी बस बॉबिन ठीक होनी चाहिए उसमें धागा हमारा थोड़ा सा सही से निकल के आना चाहिए क्योंकि अगर हमारा धागा नहीं निकल के आएगा तो फिर हमारी सिलाई नहीं आएगी लूज धागा होगा तो सिलाई बेकार आएगी टाइट होगा तो फिर वहाँ से टूट जाएगी तो यही सारी चीज़ें रहती हैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ मैं किसी भी तरह से ठीक हो जाए और एक एक्स्ट्रा बॉबिन लेके ज़रूर रखती हूँ कि रात में या फिर भी ऐसा टाइम है कि हमें जाने का टाइम नहीं है या रात में कोई चीज़ हमें सिलनी है और ख़राब हो जाए तो एक्स्ट्रा बॉबिन होनी चाहिए सूई है या बॉबिन है या फिर जो इसके नट होते हैं वो मैं एक्स्ट्रा लेके रखती हूँ जिससे कि मेरा काम ना रुके और मैं अपने काम को अच्छे से उसी टाइम पे उसकी रिपेयर करके कर सकूँ तो यहाँ पर मैंने देखिए इसके रिपेयर कर दी है पेज को कस दिया है बॉबिन को यहाँ पर लगा दिया है बॉबिन केस में और यहाँ पर सिलाई जो है हमारी फाइनली सही हो चुकी है तो यही रहता है बहुत खुशी होती है और अपने काम को कर लेना काफ़ी अच्छा रहता है हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना होता है तो मैं तो ये थोड़े थोड़े जो छोटे छुट छोटे काम होते हैं ना इसी तरह से रिपेयर कर लेती हूँ अभी इसके लिए पहले मुझे जब नहीं आता था ना ये काम तब फिर मुझे बहुत दिक्कत लगती थी तो मैं एक पास में भैया रहते थे उनसे बोलती थी कि भैया ये देखिए इसमें ये दिक्कत हो गई है वो दिक्कत हो गई है अब वो भी सिलाई का काम करते थे तो फिर मुझे दिक्कत होती थी कि जब उनके पास टाइम होता था तब फिर आके देखते थे और उतने टाइम तक मेरा काम रुक जाता था लेकिन धीरे धीरे मैंने उस पर थोड़ा सा ध्यान किया और यूट्यूब पे सर्च किया कि किस तरह से क्या दिक्कत हो रही है इसमें और मुझे उसकी जो कमियाँ थी वो पता लग गई और उस कमियों को मैंने खुद से सही करना सीख लिया है तो यही चीज़ें होती है कि जब हम अपने काम को अच्छे से करना सीख जाते हैं ना तो हमें किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना होता है तो सौ बातों की एक बात ये निकल के आती है कि हमें अपना काम खुद से करना चाहिए और ख़ुद से अपने काम में परफेक्ट होना चाहिए यहाँ पर देखिए सलवार बन तैयार हो चुकी है देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पर फॉल आया है पटियाला सलवार का तीन मीटर में ये बनकर तैयार हो गया और तीन मीटर में भी कपड़ा यहाँ पर वेस्ट निकल गया क्योंकि वहाँ पर टुकड़ों में कपड़ा था तो आप मान सकते हैं इसको ढाई से पौने तीन मीटर में मैंने इसको बना के कम्प्लीट किया है फाइनल लुक इसका कुछ इस तरह से है अभी जो कुर्ती थी ना वो भी मैंने यहाँ पर उसको कटिंग करके स्टिच कर लिया है ये वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो यहाँ पर इसमें मैं तुरपाई कर ले रही हूँ और तुरपाई करने के बाद में फिर जो नेक्स्ट है वो मैं यहाँ पर सिलने वाली हूँ तो यहाँ पर लगभग बज रहे हैं दोपहर के बारह से एक बज चुके हैं और ऐसा ही हो रहता है क्योंकि कटिंग और स्टिचिंग करने में इतना टाइम नहीं लगता है लेकिन जब दुकान पे कोई आ जाता है ना तो उस बीच का जो टाइम होता है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है मेरे लिए तो खैर ख़राब हो जाता है कंटिन्यू अगर हम सिलने बैठते हैं तो एक घंटा नहीं लगता है हमें एक कुर्ती और उसको कटिंग और स्टिचिंग करने में और देखिए तुरपाई मुझे करनी पड़ रही है क्योंकि मम्मी है नहीं अगर मम्मी होती तो यहाँ पर तुरपाई मुझे नहीं करनी पड़ती केवल सिलाई सिलाई करनी पड़ती लेकिन कोई बात नहीं है जब तक मम्मी नहीं है तब तक तो इसको हमें करना ही है और मम्मी आएंगी दो से तीन दिन में और ये सूट मुझे देना है शाम तक हो सकता है इसको कम्प्लीट करूँ मैं तब तक वो लेने ही आ जाए कस्टमर क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ इसको प्रोजेक्ट की वजह से देने में और दूसरी बात ये थी कि मैं अपने काम में जब काम कंटिन्यू करती हूँ ना तो थोड़ा सा रेस्ट भी लेती हूँ खुद के लिए क्योंकि काम अगर हम बराबर करते रहेंगे और शरीर पे ध्यान नहीं देंगे तो थोड़ा सा हमें अपने आप पे भी ध्यान देना जरूरी है मैं तो इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा टाइम देती हूँ जब चार से पाँच दिन या पाँच से छः दिन कंटिन्यू काम करते हो जाते हैं तो लगभग दो से तीन दिन मैं तीन से चार घंटे मैं अपने लिए एक्स्ट्रा लेती हूँ और वैसे तो काम देखिए कंटिन्यू करना ही करना है काम तो कभी ख़त्म नहीं होता है अगर पिछला काम खत्म हो जाता है तो अगला हमारे पास पेंडिंग हो जाता है लेकिन उस काम के साथ साथ हमें खुद का भी ध्यान रखना होता है और मेरा काम तो वैसे भी कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला होता है घर का ख़त्म हो जाता है तो दुकान का सही और यहाँ पर देखिए फाइनली हाफ कलर के साथ में हमारा ये सूट बन तैयार हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक कुर्ती भी हमारी तैयार हो गई है और सलवार भी हमारी तैयार हो गई है और ये जो मैं आपको बता रही थी कि हाफ़ नेट वाली हमारी

है अभी कोई काम होता है हमें कस्टमर जब रेगुलर कस्टमर होते हैं तो देखिए छोटा मोटा जो काम होता है वो हमें करके देना भी पड़ता है और साथ ही साथ हमारी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए कस्टमर से ताकि अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है तो हम भी कर सकते हैं और हमें कोई दिक्कत है तो वो भी समझ सके मेरे साथ तो और कोई दिक्कत नहीं होती है मेरे साथ होती है टाइमिंग की दिक्कत तो कस्टमर उस चीज को थोड़ा सा कॉपरेट करके चलते हैं तो मैं भी उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अगर कोई काम होता है तो मैं उनको कर देती हूँ ऐसा नहीं है कि मैं उनको फ्री में करके देती हूँ लेकिन हाँ फिर भी जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो उतना नहीं लेती हूँ मिनिमम चार्ज में यहाँ पर उनसे चार्ज लेती हूँ जिस वजह से वो भी मुझे कॉपरेट करते हैं मैं भी उन्हें कॉपरेट करती हूँ काम तो हम देखिए उसी हिसाब से ही करते हैं कस्टमर के लिए एक स्लिप में हमारे ये इस तरह से लग गया है दूसरे में भी इसको लगा लेना है इसको लगा के मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ और इसका जो वीडियो है ना वो भी मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि किस तरह से हमने इसकी कटिंग और स्टिचिंग की है अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिएगा ये प्रोजेक्ट मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है साथ ही साथ देखिए दूसरी जो कुर्ती है ये भी मुझे स्टिच करनी है और इसको भी बना रही हूँ मैं हाफ़ कॉलर के साथ में और इसकी कटिंग मैंने पहले करके रख ली थी आज इसकी कटिंग नहीं की है आज केवल मैं इसकी स्टिचिंग कर ले रही हूँ तो यहाँ पर लगभग बज रहे हैं छः शाम के छः बज चुके हैं इतना काम करते करते बीच बीच में घर का जो काम था वो भी मैंने किया है खाना वगैरह खाया और शाम की चाय वगैरह बना के पी ली थी वो वीडियो यहाँ पर नहीं रिकॉर्ड करती हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाता है बाकी तो आप लोगों को पता ही है कि मेरा रूटीन किस तरह से चलता रहता है तो फाइनली आज मैंने इस तरह के तीन से चार कपड़े यहाँ पर कंप्लीट किए हैं और शाम अभी दूर पड़ी है उसके बाद में अभी जो घर का काम है वो भी मुझे करना है क्योंकि बर्तन भी बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं और मैं तो जो है ना या तो सुबह में अपना काम करती हूँ बर्तन का या फिर मैं शाम को करती हूँ दोपहर में नहीं करती हूँ दोपहर का जो थोड़ा बहुत टाइम मुझे अगर एक्स्ट्रा मिलता है ना अगर आधे घंटे का या पंद्रह मिनट का उतने बीच में मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ और जब काम मुझे देना ही होता है अर्जेंट ही देना होता है तो उस बीच में मुझे बिल्कुल भी आराम टाइम नहीं मिल पाता है तो ऐसा ही रहता है लेकिन हाँ अगर थोड़ा सा काम पे रेस्ट मिलता है मुझे तो फिर मैं आराम ज़रूर कर लेती हूँ तो अभी इस कुर्ती को सिलने के बाद में फिर मैं खाना वाना बनाऊँगी और उसके बाद में रात का तो आपको पता ही है फिर रात में तो मैं कोई काम इस टाइम पे कर नहीं रही हूँ अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट अभी मेरे पास है तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी क्योंकि मेरे पास अभी तीन लहंगे आए हुए हैं जो कि नेट के साथ में बनाने हैं और साथ ही साथ एक लहंगा ऐसा है जिसमें हमें अलग से जो दुपट्टा होता है उसमें लेस को डेकोरेट करके लगाना है तीन से चार लेयर में तो वो प्रोजेक्ट भी मैं आपके साथ में जल्दी शेयर करूंगी कि किस तरह से हमें कली वाला लहंगा कट करना होता है या हम प्लीट्स वाला लहंगा कट करते हैं साथ ही साथ उसमें हम अस्तर की जो नाप लेते हैं वो किस तरह से लेते हैं लेंथ को किस तरह से निकालूंगी मैं तो ये मैं आपके साथ में जल्दी शेयर करूंगी तो तब तक मैं ये जितना भी मेरा फालतू का प्रोजेक्ट है ना इसको मैं कंप्लीट कर ले रही हूँ और इसीलिए जब मेरे पास कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट आते जाते हैं ना तो मैं इस तरह का जो काम होता है कुर्ती का या इस तरह का ये मैं कम लेती हूँ उस वजह से क्योंकि मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं हो पाता है और सारा टाइम मेरा इसी में निकल जाता है तो अभी के लिए जितना भी ये काम है ना मेरा अगले एक से दो दिन में मैं इसको कंप्लीट कर ले रही हूँ फिर मैं अपने लहंगे वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँगी साथ ही साथ उसके जो ब्लाउज हैं वो पीछे से नॉट वाले बनाने हैं और पैडेड वाले ब्लाउज बनाने हैं जो कि तीन ब्लाउज हैं तीनों ही डिज़ाइन वाले हैं और उसका लहंगा जो है तीनों का ही अस्तर वाला है अभी देखते हैं उसको मैं किस तरह से बनाऊंगी आपके साथ में ज़रूर शेयर करूंगी अगर आपको देखना हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को उसको देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं पिछला प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा मेरा पसंद आया या नहीं आया आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ में कमेंट में और आज की वीडियो आपको कैसी लगी है ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा मेरा ब्लॉग का रूटीन इसी तरह से रहता है कभी कुछ कभी कुछ जैसा भी मेरे पास वर्क आता है या जैसा भी मेरे पास टाइम होता है उस हिसाब से मेरा रूटीन चलता रहता है और काम चलता रहता है और आप लोगों के साथ में रेड की जो वीडियो है वो मैं जल्दी शेयर करने वाली हूँ उसके लिए बिप बस एक से दो दिन का मुझे टाइम दीजिए और आज का जो ब्लॉग है यहीं पर मैं एंड करती हूँ देखते हैं हमारी जो कुर्ती है वो बन तैयार कैसी होती है फाइनली इसमें मैंने कॉलर लगा दिया है कॉलर लगाने के बाद में इसकी जो फिटिंग है फिटिंग करके फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ हाफ कॉलर की कुर्ती जो होती है ना वो हमें इसी तरह से बना के तैयार करनी होती है और इसको मैंने हाफ स्लीव में बनाया है देख सकते हैं इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से है कुर्ती हमारी तैयार हो चुकी है और यहाँ पर बच गए हैं लगभग साढ़े सात तो लाइटिंग आप देख सकते हैं और यहाँ पर मैं वीडियो भी एडिट कर रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियो एडिट का टाइम नहीं मिल पाता है तो फ़ोन में आप देख रहे हैं वीडियो भी मेरी एडिट हो रही है इसी तरह से मेरे एक से दो जो काम होते हैं वो चलते रहते हैं और अगर कभी मैं नहीं कर पाती हूँ तभी मेरा वीडियो लेट हो जाता है तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय